वेलकम बैक हम आज बात कर रहे हैं मीशत के हवाले से शबर जदीर साहब से और हमने ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि मैं ये भैया मिनिस्टर मिनिस्ट्री चाहिए ये मिनिस्ट्री की ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों समझी जाती है इसमें मेरी राय है जा इतनी कोई पावर का इशू नहीं होता ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं अपनी सिचुएस में ये लोग बहुत बड़ा स्टेटस इंजॉय करते हैं इनकी लोग इनके सजदे करते हैं इनके पैर चूमते हैं जो हमारे फ्यूडल्स हैं और जो हमारे गैर फ्यूडल्स भी हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ फ्यूडल बन जाते हैं जब वो सियासत में आते हैं लिहाजा इनको ये मिनिस्ट्री और ये शोर मचाती हुई पुलिस की गाड़ियों से इतना लगाव नहीं होता जितना उनको उस अहदे की ताकत का और उसकी इंप्लाइबिलिटी का और फ्यूचर वोट सिक्योर करने की पावर होती है कि जी मिनिस्टर बन गए हैं ये मेरे 400 लोग यहाँ लगेंगे ये कॉन्टीट्यूंसी की यहाँ लगेंगे यही होता है ना सर एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको मिनिस्ट्री चाहिए आप अपने वोटर्स को नवाजो जी ये तरीका दुरुस्त है देखिए ये रियलिटी है जी आप आप गवर्नमेंट की पोस्ट इसलिए लेते हैं कि आप अपने किनशिप वालों को अपनी बरादरी अपने जानने वालों को नौकरी दिला सकें जो आपका अल्टीमेट वोट बैंक को सपोर्ट कर रहा हो जी एफिशिएंसी गई डस्टबिन में डस्बिन में पहली बात दूसरी बात ये होती है कि उसके थ्रू आप पुलिस को मैनेज कर रहे होते हैं थानेदार अपनी मर्जी के लगवा रहे होते हैं जी। वो आपको आइंदा काम आते हैं आप, भी आइंदा आप, आप, आपके, आपके, दिन, आपके दिन आपके लिए वो काम आता है तीसरी बात है कि उसके उसके थ्रू आप एक और काम करते हैं जो हम और आप रिलाइज नहीं करते गवर्नमेंट के बहुत से एसेट होते हैं जी जो प्लॉट लैंड खाली कोने में जंगल वो फिर आपको आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है अच्छा बेच के उसमें जिसको आप लैंड माफिया जो इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको भी एनालाइज करें कभी कभी आप एनालाइज करें ऑफ ऑफ इनकम द पीपल हु आर इन पावर ये कभी भी किसी से नहीं होते और लोग समझते Price हैं प्राइस से होते नहीं 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 सर <laughs> नहीं, वो तो कि सारा काम करप्शन से या कमीशन से हो रहा है देर आर मेनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट पाकिस्तान लाइंग ऑन द ग्राउंड पावर्स इन ऑर्डर इन ऑर्डर फॉर गेन आपको अगर याद हो पुराने जमाने में इंडिया में आज भी कहता है लाइसेंस राज जी एक जमाने में होता था कि लाइसेंस मिलता था आपको फैक्ट्री लगाने के लिए मिनिस्ट्री लेके दिया करती थी जी आज जितनी भी पुरानी इंडस्ट्री मिलेंगी वो किसी ब्रोकेट के दमाद की होती हैं क्योंकि वो जहेजों में जहेजों में मिलते थे जहेजे में मिला करती थी और जाके इंडस्ट्रीज से बाय किया करते थे सही तो वो राज खत्म हुआ जी तो वो ये नया राज आया तो एक्चुअली अगर आप कोई गौर से देखें तो गवर्नमेंट के एसेट की मिसअप्रप्रेशन होती है जो मिनिस्ट्री के थ्रू हो रही होती है शब्द ये ये सब होता है और ये इंसानी फितरत यां हर जगह होता रहेगा जी होता रहे है, हो है। इसमें इस देखें इंसानी फितरत तो हमेशा इस तरफ जाएगी मकसद मेरा ये बोलने का ये कि एक हद होती है हद ये होती है कि जी अब मुल्क ख़त्म हो रहा है खोखला हो गया अब इस हद से आगे हम तजावज करके सियासत नहीं करेंगे हम इस्लाम के नाम पर अब सियासत नहीं करेंगे जी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया इंटरनली मिलिटेंसी का हम पैसों के मामले में हम इंटरनल मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हम सियासत नहीं करेंगे बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया हम सर्कुलर डेट के हवाले से सियासत नहीं करेंगे हम टैक्सेशन के हवाले से सियासत नहीं करेंगे ये हूद मुकर कर दी जाती हैं क्योंकि आप समझते हैं जी जिस किश्ती में हम सब सवार हैं वही डगमग कर रही है वो वही इस वक्त डूब रही है अब इन डूबती किश्ती के सवारों को इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है वो समझते हैं चलेगा होनी भी नहीं चाहिए और होनी भी गलत बात करें अच्छा

कि आप इस तेक देखें ना कितने एम एन एज एम एन एम पी एज़ कितने ब्योरोट के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हैं बहुत कम और पढ़ने के बाद पाकिस्तान में रहना चाहते हैं बहुत कम तो ये सब क्यों हो रहा है ये मगर देखिए इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं बिल्कुल डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी के साथ एक लफ्ज़ होना चाहिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जिसमें पार्टिसिपेशन हो लोगों का आज की डेमोक्रेसी पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी नहीं है फैसला करेंगे कल से वो नहीं करेंगे जो, जो आपकी थी। नहीं, एक हद तो किताबों में अच्छी लगती है ना जब जब ये दो हजार तेरह का इलेक्शन आएगा तो यही लोग होंगे यही यही सिस्टम होगा और यही और नहीं और उन्हीं इश्यूज पे इलेक्शन होगा जिन इलेक्शन में पैदा होता रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ ये अब मगर हम मेरी और आपकी ख्वाहिश है कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अब ज्यादा हो गया ना नहीं नहीं होना चाहिए यही सवाल है ना अब नहीं होना चाहिए अब इसे कौन रोकेगा सवाल ये ना आप सवाल मेरा आपका ये कि हम सब ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए अब इलेक्शन इस्लाम के नाम पे मजहब के नाम पे इस बरादरी के नाम पर नहीं होना चाहिए और दूसरे ग्राउंड पे होना चाहिए क्या आप उम्मीद करते हैं कि होगा नहीं होगा उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस मुल्क की जो इकोनॉमिक्स को इस तरह बना दिया गया है कि वो हमेशा कुछ लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करती रहती है सही तो आप क्या देख रहे हैं फिर क्या हाउ डज इट फिक्स इट सर देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान नाइनटीन uh, फोर्टी के बाद से आज तक टेक्निकली स्पीकिंग चाहे हम उसको अच्छा माने बुरा माने फॉरेन सपोर्ट पे चल रहा है सही हमें मान लेना चाहिए और वो शायद हम उनकी मजबूरी थे या हम किसी तरीके से अपनी उनकी मजबूरी बन जाते हैं सही। और फिर उस मजबूरी का हम हमें पैसे मिलते हैं सही। और उस उससे हम अपने अपने घर का ईंधन चला रहे होते हैं सही। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि वो जो वो जो सिचुएशन है वो अब तब्दीली की तरफ जा रही है शायद वो डोल आउट नहीं हो होगा आइंदा जो डोल आउट पास में होता रहा है और जिसको हम कहते हैं ना कि कि आप, आप खुद अपना घर संभालो शायद उस, उस नाले की जगह अब रियलिटी की बात आएगी कि अब अब आपको कैश डोल आउट्स नहीं मिलेंगे सही। जब कैश डोल आउट्स आपको नहीं मिलेंगे तो फिर शायद ये कॉम रियलाइज़ करेगी कि कि इस कौम का असली मसला क्या है और सच इस कौम का असली मसला ये है कि अगर इस पाकिस्तान नहीं इस कौम का असली मसला देखें जी मुझे जब यह पता है देखें साहब मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे पता है कि मैं मुझे आखिर में आके एक आदमी बेल आउट कर लेगा और होता रहा है ना बास्ट में होता रहा ना बेलाउट तो फिर मैं क्यों कोशिश करूंगा तो हम अगली जंग का करें। नहीं जंग तो नहीं होगी ना देट इज खाश तो होगी कि जंग हो जाए आप किसी काम काम आ जाए तो वो मगर अब शायद ये चीजें नहीं देखें आप ये रिलइज करेंगे सेवेंटीज में मिडल ईस्ट के एक्सपोर्ट और सर्विस ने हमें सपोर्ट किया अब वन वार ने हमें सपोर्ट किया ये जो सारा वॉरन टेरर ने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया इसके मुख्तलि अगर हम बॉम्ब नहीं फाड़ते तो हम काफ़ी अमीर हो चुके होते हैं तो सवाल ये ना कि मगर अब फिर वापस हमें वहीं पर आना पड़ेगा ना कि क्या हमारा रिसोर्स और हमारा यूटिलाइजेशन प्रॉपर है मगर मैं फिर आपको वापस आता हूँ पाकिस्तान के अंदर आज भी इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम प्रायरिटी से ही कर लें अपनी फिर मैं दोबारा आ रहा हूँ अच्छा एक बात बताएं प्रायोरिटीज की आप बात करते हैं मुझे जरा एक बात समझाएं एज एन इकोनॉमिस्ट मैंने सियासतदानों से तो बड़ा ये सवाल पूछा है मजाक में भी बड़ा ये सवाल पूछा है ये शरीफ बरदराना इट अगेन वो टैक्सियाँ बांट रहे हैं फिर से वो बीस हज़ार टैक्सी उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को दिए हैं आपके ख्याल में अच्छी पॉलिसी है देखिए बात यह ना कि कॉन्सेप्चुअली एम्प्लॉयमेंट वाइड कराने में कोई नुकसान नहीं ये एक अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉयमेंट मगर क्या ये कॉन्सेपचुअली ये जो पैसे वो दे रहे हैं बांट रहे हैं पैसे नहीं गाड़ियां बांट रहे हैं और पहली बात तो टैक्सी में इस्तेमाल होंगी नहीं होंगी वो एक सेकंड इशू है मगर जो जो बात उन्होंने सही की है जब मैं उनको तो क्रेडिट देता हूँ वो कि उन्होंने मास् का एग्रीमेंट साइन किया है चाइना और हमें कराची में भी इमीडिएटली मास ट्रांसिलिट बनानी पड़ेगी अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे नोट छाप के भी जिससे पब्लिक इंटरेस्ट का काम होगा तो वो अल्टीमेटली बेनिफिट देगा देखिए इशू ये है कि हम एक घर की इकोनॉमिक्स को और पाकिस्तान मुल्क की इकोनॉमिक्स को एक साथ समझते हैं ये गलत है मुल्क घर घर की तरह नहीं चलता और मुल्क के अंदर ही पॉसिबिलिटी है नोट छापने की इजाजत है लेकिन घर की बजटिंग और मुल्क की बजटिंग तो एक ही तरह नहीं, नहीं नहीं, पे थोड़ा सा फर्क है ना मुल्क की बजटिंग में ये फायर रास्ता है कि आप नोट छाप के बजट पूरा कर सकते हैं मगर फिर मैं आपको वापस आ रहा हूं कि नोट किस लिए छापे नोट छाप लेके घर के अंदर भी कर सकते हैं नोट छापे नहीं नहीं है नो, नोट कर नोट नोट नहीं है नोट नहीं नहीं वैल्यू डाइल्यूट कर रहे हैं चलानी सही पढ़ाना लिखाना पढ़ाना है। अब ये फैसला हो जाए आज वेरी सिंपल हमें छापने पड़ेंगे नोट ग्यारह सौ बिलियन के जी इस साल ठीक है सही ग्यारह सौ बिलियन में आज फैसला कर लें ग्यारह सौ बिलियन में से पांच सौ बिलियन हम तालीमें लगाएंगे और बाकी फिजिकल बाकी, बाकी को पंद्रह सौता हूँ छह सौ मिलियन में तालीम पर लगाऊंगा प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन तो फिर मैं आपको यकीन से कहता हूँ बन जाएगी जितनी भी देखिए ये इन्वेस्टमेंट है ये बच्चा आज पहले में दाखिल होगा ना दस साल बाद कौम बनेगा ना मगर आप वो 500 बिलियन खर्च करने की की, की हिम्मत तो करें अब आप क्या कर है? रहे हैं? आज हो नोट नहीं छापे वो ये नहीं देख रहे कि हमारे, हमारी पोजीशन ग्रीस की तरह नहीं है हमारे पीछे ये यू नहीं है ना हमारे पास हंड्रेड परसेंट लिटरेसी है हम तो उस जगह खड़े अगर हमने खुदाना खास्ता सपोर्ट नहीं दी तो हमारे यहाँ फेमिन भी आ सकती है हमारे यहाँ तो, तो एनआर की भी आ सकती है हमें तो कुछ ना कुछ डिफरेंट मॉडलिटी में जाना पड़ेगा मेरा सिर्फ कहना का ये है कि ये प्रायोरिटी सेट करना काम किसका है हमारा होना चाहिए लेकिन है किसी और का क्योंकि हम बहुत सारे पैसे हाँ मगर हम प्रायरिटी सेट करना काम पार्लियामेंटेरियन का है मगर हमें पार्लियामेंटेरियन को आई विल नॉट से वर्ड एजुकेट जी एजुकेट नहीं करना उनको कम से कम बताना ज़रूर है कि साहब आप ये सही रास्ता है जी आप समझना चाहें समझ लें नहीं समझना चाहें नहीं समझ अच्छा मैं अगर एक घर वाले एग्जाम्पल पर वापस से आ जाऊँ पाकिस्तान अगर एक घर होता तो वो अपने और अगर वो दस हज़ार रुपये महाना कमाता दस हज़ार रुपये तो उसके माहाना अखराज होते बीस हज़ार रुपए और छः हजार रुपए वो पुराने कर्जे अदा करने में लगा देता चार चार हजार रुपये अपनी फौज पे लगा देता और हजार रुपये के अंदर अपना हर चीज सब कुछ करने की कोशिश कर रहा होता और बाकी हर महीने वो दस हजार रुपये का कर्जा अपने ऊपर मजीद बढ़ा रहा होता यही यही कुछ ऐसा यह इसमें गवर्नमेंट के वास्ते अलावा एक और होता है छापो वो छापो अच्छा उससे क्या छाप के अब वो छापना उसकी वैल्यू को कम कर देता है मगर वो ये कि छापने के बाद इस्तेमाल क्या है फिर आप इस छापने का इस्तेमाल क्या है छापने का इस्तेमाल अगर आ, अगर एक्सपेंडिचर है फौज है रेलवे का लॉस है स्टेट प्राइस का लॉस है वरीदाजम की गाड़ी है तो फिर तो वो छापना डबल नुकसान देता है सही मगर अगर उस छापने का इस्तेमाल सेहत है फ़र्क ना फर्क तो अगर अगर गरीब आदमी के इस, 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 इसके लिए छाप रहे ना उसके पास तो आज कुछ भी नहीं है ना है। तो उसके बाद आज एक रुपया भी नहीं है तो एक रुपये की वैल्यू अगर अठान हो जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता सही है मगर अगर आपने एक रुपया और छापा और उसके बच्चे को तालीम दे दी जी तो उसको बेनिफिट हो गया ठीक है देखिए और नुकसान किसका हुआ उस गरीब आदमी को अमीर आदमी उसके पास एक रुपया था रुपया अठाने का रह गया सही है वो जिसके बाद कुछ था ही नहीं उसके तो फायदा है ना है। तो ये जो बात है ये हम सिंपल इकोनॉमिक्स को अगर बोरोड वाशिंगटन से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा सही है आ, मैं कैपिटलिज्म का काफी बिलीवर हूं और हिनाबानी खर साहबा गई इंडिया शुरू होता है यानी औसतन एक करोड़ रुपए का वो बैग था hmm. एक करोड़ रुपए का इसमें अगर वो टैक्स देती है तो सही है आपकी नजर लेकिन दो, दो, दो बातें मेरे मैं भी आ, कभी आते हुए सोच रहा था हो सकता है वो चाइनीज इमिटेशन वाला हो देखिए पांच सौ मगर मैं ये समझता हूँ कि ये शो ये जो जिस जो जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने और पाकिस्तान के आ, सिस्टम में ये जो आपने एक लिटिज्म सामने रख लिया है जी। ये ये आपको वारा नहीं खाता इसमें अनफॉर्चुनेटली हम कंपेयर करते हैं मोहम्मद अली जिना के साथ खैजा मोहम्मद अली जिना वाज द लार्जेस्ट टैक्स पेयर ऑफ इंडिया 1937 एंड ही हैड सेवन फ्लैट्स सेवन फ्लैट्स In in uh, London London, at the the time when he was in London, which was which on the main location, he was a rich man. मैन अगर है. वो कपड़े पहनते थे तो अपनी जेब से पहनते थे से उनकी से 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 सोर्स ऑफ इनकम भी मगर देखिए हमारे पोलिटिकल इंडिया के पोलिटिकल कल्चर में कपड़ों में सादगी है इसलिए कि उनके अवाम में सादगी है तो हमने ये जो कल्चर एक एलिटिजम का आप जितने भी अमीर हैं घर में मगर जब आप पब्लिक रिप्रजेंटेट के जा रहे हैं तो जिसके जिसकेट है जिसके हैं, उसके लिबास में है बिल्कुल ठीक चलिए थैंक यू वेरी मच सर माजरत हमारे पास टाइम खत्म हो गया व्यूज आप देख रहे देखते सियासत मैंने आप इस शो पे कमेंट करना चाहें पुराने शोज देखना चाहें इस शो को आपसे देखना चाहें तो यू कैन लॉग ऑन टू आर फेसबुक पेज डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लेश सियासत थैंक यू वेरी मच फॉर मचारॉचिंग